नमस्कार दोस्तों, दीपक नेताम के एक और रोमांचक आश्चर्यजनक वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में लगभग पक्षियों की 10,000 प्रजाति है। दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु और पक्षी मौजूद है। पक्षियों में कुछ तो खतरनाक होते हैं और कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं। सभी पक्षियों में कुछ न कुछ विशेषता होती है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई पक्षी मौजूद है जिनकी गजब की खूबसूरती और विचित्र विशेषताओं को जानकर आप दंग रह जाएंगे। इन पक्षियों की विशेषताओं के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, तो चलिए ले जाते हैं आपको पक्षियों के ऐसे संसार में जहां आप इन पक्षियों की खूबसूरती में खो जाएंगे और जानेंगे छत्तीसगढ़ की 5 सबसे आश्चर्यजनक पक्षियों के बारे में, जिनकी संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए दर्शक हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीलकंठ पक्षी का कंठ नीला नहीं बादामी रंग का होता है। सर के ऊपरी हिस्सा, पंख और पूंछ का रंग जरूर नीला होता है। इसे अंग्रेजी में इंडिया रोलर कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में यह पक्षी टहरा नाम से विख्यात है। यह संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। यह अक्सर खेतों में बिजली की तारों पर बैठा दिख जाता है। खेतों में उड़ने वाले और मिलने वाले कीटों, टिड्डों और झिंगरों को यह बड़े आराम से खाता है। इस तरह से यह छत्तीसगढ़ के किसानों का सच्चा मित्र है। लेकिन यह कृषक मित्र पक्षी छत्तीसगढ़ किसानों द्वारा कीटनाशक के प्रयोग के कारण आज खतरे में है। पहले ये खेतों में आसानी से दिख जाते थे, लेकिन दिन ब दिन इनकी संख्या में गिरावट हुई है। यह पक्षी भारत के कुछ राज्यों का राज्य पक्षी है। नीलकंठ उड़ते समय 360 डिग्री भी घूम सकता है। यह पक्षी हवा में कई आकर्षक करतब दिखाता है। गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से हर जगह पाया जाता है। यह चिड़िया मनुष्यों के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है, इसलिए यह पहाड़ी स्थानों में कम ही दिखाई देती है। गौरैया एक छोटी चिड़िया है। यह हल्की भूले रंग या सफ़ेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैर का रंग पीला होता है। नर गौरैया का पहचान उसके गले के पास धब्बे से होता है। इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 24 से 40 ग्राम के बीच होता है। शहरी इलाकों में गौरैया की 6 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनमें हाउस स्पैरो को गौरैया कहा जाता है। यह शहरों में सबसे अधिक पाए जाने वाली पक्षियों में से एक है। लोग जहाँ भी घर बनाते हैं, देर सवेर गौरैया के जोड़े वहाँ रहना पहुँच ही जाते हैं। गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है। कावा एक साधारण पक्षी है। यह समस्त दुनिया में पाया जाने वाला पक्षी है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी में कावे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इस पक्षी को छत्तीसगढ़ में कौवा कहा जाता है। कावा काले रंग का होता है। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है। यह कठोर से कठोर चीजों को आसानी से तोड़ सकता है। कावे की वाड़ी कर्कश, कठोर व अप्रिय होती है। कावे एक ऐसा पक्षी है जो गंदगी साफ करता है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी शुद्ध बनाए रखता है, इसलिए इसे क्लीनर पक्षी भी कहा जाता है। कावा बहुत सी गंदगी और बेकार वस्तुओं को खाकर ही समाप्त कर देता है। कावे अधिकतर झुंड में रहते हैं। यह बहुत चलाक व बहादुर पक्षी होता है। वैसे तो बगुला संसार भर में पाया जाता है, मगर छत्तीसगढ़ में इस पक्षी की मौजूदगी है। बगुला पूरी दुनिया में करीब 64 से ज्यादा प्रजातियां मिलती है, मगर हमारे देश में 21 प्रकार के बगुले पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध भूरा बगुला है, जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में बहुत है। यह बगुला अपने मटमैले भूरे रंग की वजह से चट्टानों और तालाबों के किनारे छुपकर बैठा रहता है तथा दिखाई नहीं देता। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास जाता है तब भी नहीं उड़ता, बहुत ही पास जाने पर उड़ान भरता है। इसके इस व्यवहार की वजह से इसे अंधे बगुले का नाम दिया गया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि काफ़ी पास जाने पर ही इसे दिखाई देता है। बगुला बहुत ही चलाक पक्षी है। यह बड़ी चलाकी से पानी में मछलियों का शिकार करता है। यह पानी में बिना हिले डुले सीधे खड़ा रहता है। बगुला पक्षी उड़ने में भी माहिर है। यह आकाश में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इस पक्षी का आकार 140 सेंटीमीटर के करीब होता है। इनका वजन 280 ग्राम तक हो सकता है। इस पक्षी का निवास स्थान तालाबों के आसपास होता है। छत्तीसगढ़ में गांव अधिक होने के कारण इनकी भी जनसंख्या अधिक है। इस पक्षी को छत्तीसगढ़ में कोकड़ा कहते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी हिल मैना मतलब पहाड़ी मैना है। यह एक काले रंग की मैना होती है। यह सर्वाहारी छोटा पक्षी होता है। पहाड़ी मैना जंगलों, सदाबहार वनों और नरम पतझड़ वनों में पाई जाती है। पहाड़ी मैना को नम और घने जंगल बहुत पसंद है, इसलिए यह शहरों में दिखाई नहीं देती। यह निचले इलाकों में पाए जाने वाले जंगलों में ही रहती हैं। ऐसे जंगल जो पहाड़ों के पास होते हैं उनमें इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। पहाड़ी मैना का आकार 28 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है।
इसका वजन 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के बीच होता है। पहाड़ी मैना के शरीर का ऊपरी हिस्सा चमकदार काले रंग का कुछ हल्की हरी आभा लिए होता है। पहाड़ी मैना का पूरा शरीर काला होता है, उड़ते समय इसके सफ़ेद पर दिखाई देते हैं, परंतु जब यह बैठी रहती है तो इसके सफ़ेद पंख दिखाई नहीं देते। पहाड़ी मैना की चोंच और मजबूत पैर नारंगी पीले रंग के होते हैं। इस पक्षी को छत्तीसगढ़ में सलही के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ी 5 आश्चर्यजनक पक्षी जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में बहुत है। तो दोस्तों, इनमें से आपका सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी रोमांचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।